राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय तीन। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय तीन। यहोराम के राज्य का आरंभ। यहूदा के राजा यहोशापात के 18वें वर्ष में अहाब का पुत्र यहोराम शोमरोन में राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तो भी उसने अपने माता पिता के बराबर नहीं किया, वरन अपने पिता की बनवाई हुई बाल की लाठ को दूर किया। तो भी वह नबात के पुत्र यारोबाम के ऐसे पापों में जैसे उसने इसराइल से भी कराए लिपटा रहा और उनसे न फिरा। मोआब पर विजय। मोआब का राजा मेशा बहुत सी भेड़ बकरियां रखता था और इसराइल के राजा को 100,000 बच्चे और 100,000 मेंढों का ऊन कर की रीति से दिया करता था। जब अहाब मर गया तब मोआब के राजा ने इसराइल के राजा से बलवा किया। उस समय राजा यहोराम ने शोमरोन से निकलकर सारे इसराइल की गिनती ली और उसने जाकर यहूदा के राजा यहोशापात के पास यो कहला भेजा कि मोआब के राजा ने मुझसे बलवा किया है, क्या तू मेरे संग मोआब से लड़ने को चलेगा? उसने कहा, हाँ मैं चलूंगा, जैसा तू वैसा मैं, जैसे तेरी प्रजा वैसी मेरी प्रजा, और जैसे तेरे घोड़े हैं वैसे मेरे भी घोड़े हैं। फिर उसने पूछा, हम किस मार्ग से जाएं? उसने उत्तर दिया, एदोम के जंगल से होकर। तब इसराइल का राजा और यहूदा का राजा और एदोम का राजा चले, और जब 7 दिन तक घूमकर चल चुके तब सेना और उसके पीछे पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी न मिला, और इसराइल के राजा ने कहा, हाय, यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि उनको मोआब के हाथ में कर दे। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहां यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे? इसराइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलिशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था वह तो यहां है। तब यहोशापात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। तब इसराइल का राजा और यहोशापात और एदोम का राजा उसके पास गए। तब एलिशा ने इसराइल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम है? अपने पिता के भविष्यवक्ताओं और अपनी माता के नबियों के पास जा। इसराइल के राजा ने उससे कहा, ऐसा न कहा, क्योंकि यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि इनको मोआब के हाथ में कर दे। एलिशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहा करता हूं, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर न मान करता तो मैं न तो तेरी ओर मुंह करता और न तुझ पर दृष्टि करता। अब कोई बजवैया मेरे पास ले आओ। जब बजवैया बजाने लगा तब यहोवा की शक्ति एलिशा पर हुई और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाए, क्योंकि यहोवा यो कहता है कि तुम्हारे सामने न तो वायु चलेगी और न वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। और इसको हल्की सी बात जानकर यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। तब तुम सब गढ़वाले और उत्तम नगरों को नाश करना और सब अच्छे वृक्षों को काट डालना और जल के सब खेतों को भर देना और सब अच्छे खेतों में पत्थर फेंक कर उन्हें बिगाड़ देना। बिहान को अन्नबलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बह आया और देश जल से भर गया। यह सुनकर कि राजाओं ने हमसे युद्ध करने के लिए चढ़ाई की है, जितने मोआबियों की अवस्था हथियार बांधने योग्य थी वे सब बुलाकर इकट्ठे किए गए और सिवान पर खड़े हुए। बिहान को जब वे उठे उस समय सूर्य की किरणें उस जल पर ऐसी पड़ी कि वह
मोआबियों की परली ओर से लोहूसा लाल दिखाई पड़ा और वे कहने लगे, वह तो लोहू होगा, निसंदेह वे राजा एक दूसरे को मारकर नाश हो गए हैं। इसलिए अब हे मोआबियों, लूट लेने को जाओ। और जब वे इसराइल की छावनी के पास आए ही थे कि इसराइली उठकर मोआबियों को मारने लगे और वे उनके सामने से भाग गए और वे मोआब को मारते मारते उनके देश में पहुंच गए और उन्होंने नगर को ढा दिया और सब अच्छे खेतों में एक एक पुरुष ने अपना अपना पत्थर डालकर उन्हें भर दिया और जल के सब सोतों को भर दिया और सब अच्छे अच्छे वृक्षों को काट डाला, यहां तक कि किरह रेशेत के पत्थर तो रह गए परंतु उसको भी चारों ओर गोफन चलाने वालों ने जाकर मारा। यह देखकर कि हम युद्ध में हार चले, मोआब के राजा ने 700 तलवार रखने वाले पुरुष संग लेकर एदोम के राजा तक पांति चीरकर पहुंचने का यत्न किया परंतु पहुंच न सका। तब उसने अपने जेठे पुत्र को, जो उसके स्थान में राज्य करने वाला था, पकड़कर शहर पनाह पर होम बलि चढ़ाया। इस कारण इस्राएल पर बड़ा ही क्रोध हुआ, सो वे उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए।